क्या काम करती है? धातु पौष्टिक चूर्ण आपके स्वपन दोष को या वीर्य पतला हो या फिर आपको किसी तरह की जो बीमारी हो जो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, जैसे स्पर्म का पतला हो जाना, स्वपन दोष होना, सेक्सुअल बातें करना, सेक्सुअल बातें करते टाइम स्पर्म का ऑटोमेटिक निकल जाना, ऐसी शारीरिक कमजोरी, दुर्बलता, जैसी भी सारी बीमारी एक एडल्ट के अंदर होती है स्वपन दोष से टाइप से, कुछ सारी संबंधित बातें जो है ये धातु पुष्टिक चूर्ण में बताया गया है। और धातु पुष्टिक चूर्ण के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या काम करती है, क्या फायदे हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को, बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक चूर्ण के बारे में रिव्यू करना आया हूँ। चूर्ण का नाम है धातु पौष्टिक चूर्ण। दोस्तों, मेरा नाम है देवराज रॉय, आप देख रहे हैं ऑल इन वन मेडिसिन चैनल। दोस्तों, ऑल इन वन मेडिसिन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक चूर्ण लेकर आया हूँ, धातु पौष्टिक चूर्ण। मैं इस चूर्ण के बारे में पूरी रिव्यू आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसके क्या फायदे हैं, क्या काम है, क्या नुकसान है, ऐसी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो दूंगा। इस चूर्ण का क्या सेवन करना चाहिए, कैसे सेवन करना चाहिए, किस चीज़ के साथ खाना चाहिए, क्या नियम है इसके, क्या साइड इफेक्ट है इसके, क्या फायदे हैं, ऐसी सारी रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल। और मैं दोस्तों, पहली बात ये कि दोस्तों मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मेरा काम है आप लोगों तक अच्छी नॉलेज पहुंचाना। दोस्तों, मेरा नाम है देवराज रॉय, आप देख रहे हैं ऑल इन वन मेडिसिन चैनल। दोस्तों, ऑल इन वन मेडिसिन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पेश करते हैं दोस्तों आप सामने धातु पौष्टिक चूर्ण के बारे में रिव्यू। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मेरे हाथ में जो चूर्ण है इसका नाम है धातु पौष्टिक चूर्ण और ये 100 ग्राम की पैकिंग में आती है। ये 100% आयुर्वेदिक होती है। अगर हम बात करें इसको बनाने वाली कंपनी के बारे में तो दोस्तों ये नाइस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। अगर इसकी एमआरपी की बात करें तो ₹130 ऑल टैक्स के साथ आपको अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम इस चूर्ण की बात करें तो ये आपको मार्केट में कई सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि डाबर, झंडू, पतंजलि, वैद्यनाथ, ऐसे जो नामी कंपनी है, ऐसे कई ब्रांडेड कंपनियां जो है इस चूर्ण का निर्माण करती है। मार्केट में कई प्रकार के चूर्ण आते हैं। अगर हम बात करें इस चूर्ण के बारे में तो दोस्तों इस चूर्ण कोई भी कंपनी अगर इस चूर्ण को बनाए, लेकिन दोस्तों इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो बिल्कुल सेम होते हैं। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें शतावरी, गोखरू, बीज, बीज बांध, फंसलोचम, कबाब चीनी, चौप चीनी, कंच बीज, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, सलाम मिश्री, अश्वगंधा, ऐसे सारे इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर है ये बिल्कुल नेचुरल और आयुर्वेदिक है। अगर हम बात करें इसके काम करने का, दोस्तों ये आपके स्पर्म में काम करती है, जो कि आजकल एडल्ट में यानी पुरुषों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है वो है धातु नाइट फेल जिसे बोलते हैं, यानी स्वपन दोष जिसे बोलते हैं। ऐसी समस्या में दोस्तों आजकल जो सबसे ज़्यादा एडल्ट मेल हैं वो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं कि उनकी जो है स्पर्म, जो है स्पर्म की क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है। स्पर्म बिल्कुल पानी के जैसा हो जाए, जो कि एकदम गाढ़ा होना चाहिए वो एकदम पानी के जैसा हो रहा है। मतलब अगर कोई भी वो एडल्ट पिक्चर देख लें या कोई न्यूज़ पढ़ लें या कोई ऐसी अजीब टाइप की उल्टी सीधी बात हो अगर सोचे तो वो उनका जो स्पर्म जो है वो ऑटोमेटिक निकलने लगता है, जिससे शरीर में कमजोरी आ जाती है और एक आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। पौष्टिक चूर्ण आपके स्वपन दोष को या वीर्य पतला हो या फिर आपको किसी तरह की जो बीमारी हो जो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, जैसे स्पर्म का पतला हो जाना, स्वपन दोष होना, सेक्सुअल बातें करना, सेक्सुअल बातें करते टाइम स्पर्म का ऑटोमेटिक निकल जाना, ऐसी शारीरिक कमजोरी, दुर्बलता, जैसी भी सारी बीमारी एक एडल्ट के अंदर होती है स्वपन दोष से टाइप से, कुछ सारी संबंधित बातें जो हैं ये धातु पुष्टिक चूर्ण में बताया गया है। और धातु पुष्टिक चूर्ण के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या काम करती है, क्या फायदे हैं। तो देख, जैसे कि दोस्तों अगर आप के अंदर ये प्रॉब्लम्स रहेगी तो आप जो है आप बहुत कमजोर हो जाएंगे, आपके हाथ पर बहुत ज्यादा पतले होने लगेंगे और आप जो है बिल्कुल मतलब आप सेहत इतनी डाउन हो जाएगी आपकी कि आपको चलने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल कमजोरी सी बनी रहेगी। इसे दूर करने के लिए कंपनी जो धातु पौष्टिक चूर्ण का निर्माण किया है। अगर हम बात करें दोस्तों इसको कैसे लेना है, कैसे सेवन करना है, तो दोस्तों इसका सेवन करने का तरीका यह है कि इसको दिन में 2 बार जो है इसका यूज करना है। दूध के साथ आप 1 चम्मच पाउडर को जो है सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ हल्का दूध को गर्म करके उसमें डाल के उसको मिलाने के मिक्सिंग करने के बाद घोल के उसे आप सुबह शाम यूज करें। अगर हम इसको यूज करने की तरीका बताएं तो दोस्तों इसको कम से कम इसको 3 महीने तक कंटिन्यू रोजाना यूज करना है। और आपने इस ऐसी मजबूरी वाली जो बीमारी होती है जो बताई नहीं जा सकती लोगों को, ऐसे बीमारी से छुटकारा पाने के लिए किसी भी कंपनी का धातु पौष्टिक चूर्ण का आप सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगे? दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे।